अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला लेक्चर था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने यहाँ तक कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये हमने पढ़ा था जितने इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज होंगे आपस में वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्गर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेकेंड लेक्चर है यहाँ से कैरी ऑन करते हैं। आज हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले लेक्चर था वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट किया था, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या था, स्टार्ट किया था। ये तमाम तर चीज़ें पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ लिया था। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का तमाम तर फार्मूले भी पढ़े थे, एमसीक्यूज भी किए थे, ये पढ़ लिया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ लिया था, ग्राफ वगैरह ये सब कुछ यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे साथ एक एमसीक्यूज के साथ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड लेक्चर है तो मैंने एक एमसीक्यू से स्टार्ट किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप एमसीक्यूज की फॉर्म में भी लिख सकते हो। सही है, सिंपल। हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो डिक्रीज होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे होगे, जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे होगे, तो वहाँ हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया है या पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। सही है, मैंने ए बी सी डी लिख लिया, ए बी सी डी पॉइंट लिख लिया। मैं आपसे पूछा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर ज़्यादा होगा, ए पर ज़्यादा होगा, बी पर ज़्यादा होगा, सी पर ज़्यादा होगा। तो मैंने लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस तरह आप इस डायरेक्शन में जा रहे होगे, तो जितना आप इस पॉइंट से जितना आप एरो की डायरेक्शन में एरो के साथ नज़दीक होंगे, तो उतना आपका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हमारे साथ सबसे जो ज़्यादा पोटेंशियल है वो ए है, वो ए पर होगा, फिर बी पर होगा, फिर सी पर होगा, क्योंकि अलोंग द लेंथ हमारे साथ क्या होता है, डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जा रहे होगे, तो हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखो ए बी सी, तो सबसे ज़्यादा ए पर होगा, फिर बी पर होगा, फिर सी पर होगा। फिर सिंपल मैंने यहाँ पर एक हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया हुआ, एक लाइन में लिखा हुआ है, तो मैंने ए और बी यहाँ पर एरो देकर मैं आपसे पूछता हूँ कि किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो। लाजमी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज़्यादा हो, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे होगे ना, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे होगे, जो नीचे वाला पॉइंट होगा, जो पीछे वाला पॉइंट होगा, वो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा आगे वाले पॉइंट से। हमारे साथ ए पर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा बी पॉइंट पर। जो एरो के साथ नज़दीक होगा, लाजमी सी बात है उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। फिर मैंने यहाँ पर एक माइनस चार्ज लिखा हुआ है, ये माइनस चार्ज और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो की हुई है, इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जो डायरेक्शन है वो मैंने शो किया। मैं आपसे पूछता हूँ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर तो मैंने पॉजिटिव लिखा था, अब मैंने नेगेटिव चार्ज लिख रहा है कि ए पर ज़्यादा है या बी पर। अब भी हमारे साथ पोटेंशियल उसी तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में आप इस तरह जितना जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, जितना दूर जाते हुए जा रहे होगे तो हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। तो हमारे साथ ए पर ज़्यादा होगा, एरो के साथ नज़दीक कौन है, बी है, तो बी पर कम होगा। सिंपल सी बात है, आप ट्रिक को इस तरह भी फॉलो कर सकते हो, या सिंपल ये जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे होगे तो हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो वी ए पर हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, वी बी पर चार्ज मैटर नहीं करता कि माइनस है या प्लस है, या हमारे साथ अलोंग द डायरेक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके बाद अपोजिटली इलेक्ट्रिक फील्ड अब बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक नया टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। आपने ये पढ़ा होगा तो मैंने स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट है ना, इसमें हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा। हमारे साथ जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें हमारे साथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, हमारे साथ क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। टॉपिक का नाम क्या है, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में। सही है, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमारे साथ क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जब हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो लाजमी सी बात है दूसरा चीज़ क्या यूनिफॉर्म होगा, फोर्स भी यूनिफॉर्म होगा। मैं आपसे पूछता हूँ ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया हुआ है ए से बी की जनाब, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज़्यादा है या बी पर। आपका आंसर डायरेक्ट आएगा कि ए पर भी सेम है, बी पर भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब लाजमी सी बात है कि हमारे साथ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह हमारे साथ फोर्स भी क्या होगा, ए पॉइंट पर सेम होगा, बी पॉइंट पर भी सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। मैंने आपको फार्मूला सिखाया था इज गोट एफ डिवाइडेड बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने पिछले लेक्चर में तमाम फार्मूले पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोट एफ डिवाइडेड फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, सही है। तो अभी आपने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो लाजमी सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंट पर सेम होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आर पॉइंट पर सेम होगी तो एक चीज़ और भी आर पॉइंट पर सेम होगी, फोर्स। मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे होगे तो मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। एरो के नज़दीक कौन है, बी है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो लाजमी सी बात है पोटेंशियल एट वी ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट वी बी। मैंने कहा कह दिया कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप जा रहे होगे तो हमारे साथ जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारे साथ ए पर ज़्यादा होगा और बी पर कम होगा। जितना आप एरो के नज़दीक जाओगे उतना ही हमारे साथ पोटेंशियल कम होगा। ये हमारे साथ ये एक ट्रिक याद करो, जितना आप एरो के नज़दीक जाओगे जिस तरह यहाँ पर मैंने, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, सही है। एरो के साथ एरो से जो भी पॉइंट दूर होगा ना उस पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमारा एरो, ये एरो का निशान है, ये एरो मैं इसको कह रहा हूँ, सही, ये हेड को। जितना हेड से आप क्या होंगे, नज़दीक होंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, जितना आप दूर होंगे वहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, सही। दूर होंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जितना आप एरो के नज़दीक होंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैंने ए और बी पॉइंट लिखा हुआ है, तो पोटेंशियल लाजमी सी बात ए पर ज़्यादा होगा या बी पर। आपका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एट वी ए क्या होगा, ज़्यादा होगा पोटेंशियल एट वी बी, सही है। तो इसके बाद हमारे साथ मैंने इसमें कह दिया कि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में हमारे साथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मगर एक पॉइंट जो हमारे साथ इसके जो कॉर्नर पर है इस पर फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी प्रोड्यूस होती है। एजिस पर क्या है, इसके जो एजिस पर है वो क्या होती है, फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रोड्यूस एट एजिस। हमारे साथ जो एजिस पर होगा वो हमारे साथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए तो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में हमारे साथ क्या होगा, जो एजिस पर होगा वो फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, मगर बिटवीन क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सिम्स्क्यूज भी पूछा जाता है कि फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, या फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो आपने बताना है कि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में फ्रिंजिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये नॉन यूनिफॉर्म है, एजिस पर हमारे साथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी मगर बिटवीन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर मैंने सिंपल फार्मूले लिखे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आप इस फार्मूले को मॉडिफाई करके इस तरह भी लिख सकते हो, फोर्स की जगह आप एम जी भी लिख सकते हो, फोर्स की जगह आप एम जी, तो एम जी की जगह आप एक और चीज़ भी लिख सकते हो, वेट। तो इस तरह फार्मूले को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको वेट देकर आपसे देता है कि वेट किसी भी चार्ज का वेट इतना है, उस चार्ज ये है और इसका वेट इतना है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कन्फ्यूज़ होते हैं कि वेट इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में तो हमने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए अपने फार्मूले को कन्वर्जन में, कन्वर्जन आना चाहिए फार्मूले को। तो आपको ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, ये इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में आपको आने चाहिए। बाकी जो फार्मूले थे वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए। इसके बाद हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो पहला फार्मूला है वो क्या है, वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। हमारे साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, सही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे साथ क्या हो गया, नया टॉपिक है, सही। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पढ़ लिया था, यहाँ तक खत्म हो गया, सही। फिर क्या हमने क्या पढ़ा था, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट को अभी पढ़ लिया था, सही। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज़ है, सही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या पढ़ा था, ई इज इक्वल के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पढ़ा था, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आर स्क्वायर नहीं है, वी इज इक्वल के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है उसको लाजमी देखो, सही है। वी इज इक्वल टू, हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल डिवाइडेड बाई चार्ज, सही है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको आप इस तरह पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डी, सही, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डी। तो मैंने एक एमसीक्यू लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, फाइंड वर्क। आपसे पूछा गया कि एक सी इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क। सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करो, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क टर्म पर यूनिट चार्ज। वर्क आपसे मांग रहा है तो हमारे साथ
इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, सही। तो 20 को सिंपल आप से वर्क पहुँच जाए तो वी मल्टीप्लाई बाई क्यू, वी कितना है 20 वोल्ट, हमारे साथ क्यू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻¹⁹, इसको मल्टीप्लाई करो हमारे साथ 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻¹⁹ जूल आ गया, सही है एमसीक्यू। इसके बाद मैंने एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है के टू इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज एक्सेलरेटेड अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फाइंड वी, वी से मुराद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपसे क्या मांग रहा है, पोटेंशियल मांग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको डिस्टेंस भी गिवन है 2e, हमारे साथ क्या है ये 2e से मुराद 2e नहीं, ये 2 कॉलम चार्ज, सही है, कंफ्यूज नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 कॉलम, सही है, 2 कॉलम चार्ज आपसे आपको गिवन है, आपको डिस्टेंस भी गिवन है, आपसे क्या मांग रहा है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तब अपने 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 अब अपने कौन से फार्मूला लगाना है, सी अब अपने वो फार्मूला लगाना है जिसमें डिस्टेंस गिवन होगा, तो v इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r, अब अपने ये वाला फार्मूला क्या है लगाना है, क्योंकि आपको चार्ज भी गिवन है, आपको डिस्टेंस भी गिवन है, तो k तो वैसे आप क्या है कॉन्स्टेंट है, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r, k की वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई बाई 2c से हमारा 2 कॉलम, ये क्या है चार्ज का यूनिट है 2 कॉलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस हमारे साथ क्या है 2 मीटर, 2 लिख लिया, आंसर हमारे साथ क्या आ गया 9 × 10⁻¹⁹ वोल्ट, 2 से कैंसर हो गया, तो ये क्या आ गया आंसर आ गया। अब यहाँ पर मैंने फैक्टर्स लिखा हुआ है, फैक्टर्स लिखे हुए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड करता था, इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिपेंड करता है किसी चीज़ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्क्वायर नहीं है, इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ मगर स्क्वायर नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मतलब डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अमन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया कि v इज इक्वल टू के क्यू पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है इनवर्स रिलेशन है, तो इस बेस पर भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इस रिलेशन को भी आपने जहन में याद रखना है, सही है। अब मैंने लिखा है मेटालिक स्फीयर जो मेटल का बना होगा, किसी भी मेटल का बना होगा, कोई भी मेटल हो, जो मेटल वो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो लाजमी सी बात है वो क्या होगा चार्ज कंडक्ट करेगा, या आप कंडक्टिव स्फीयर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेटल हमारे साथ क्या होता है कंडक्टर होता है, इसलिए हम कंडक्टर स्फीयर भी यूज़ करते हैं। हमारे साथ जब भी आप मेटालिक स्फीयर को चार्ज करते हो, जब आप मेटालिक चार्ज को, मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज लिख लिया तो यहाँ पर स्फीयर है, जब आप मेटालिक चार्ज को चार्ज करोगे तो ऑल चार्ज रिजाइड यूनिफॉर्मली बट आउटसाइड, तमाम के तमाम चार्ज क्या होगा यूनिफॉर्मली इस पर रिजाइड करेगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा इस पर प्रोड्यूस होगा मगर आउटसाइड, ये बात याद रखना है, जब आप मेटालिक स्फीयर को चार्ज को ये आपने क्यू चार्ज दे दिया, ये क्यू चार्ज प्लस आपने मेटालिक स्फीयर को दे दिया, तो तमाम का तमाम चार्ज जो मेटालिक स्फीयर पर यूनिफॉर्मली क्या होगा रिजाइड होगा मतलब अपेयर होगा मगर आउटसाइड, इनसाइड चार्ज कभी भी मेटालिक स्फीयर पर अपेयर नहीं होगा, जब आप मेटल स्फीयर को चार्ज करते हो तो तमाम तर चार्ज क्या होता है आउटसाइड क्या होता है अपेयर होता है, आउटसाइड अपेयर बट यूनिफॉर्मली, ये याद रखना है इनसाइड नहीं, इनसाइड क्या होगा इनसाइड द मेटालिक स्फीयर जो हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा जीरो होगा, याद रखना है एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनसाइड द मेटालिक स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट व्हेन वी चार्ज अ मेटालिक स्फीयर, आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वी चार्ज अ मेटालिक स्फीयर देन द चार्ज रिजाइड किस पर होगा यूनिफॉर्मली होगा, हमारे साथ क्या होगा अनयूनिफॉर्मली लिख सकते हो या आप क्या सकते हो नॉन यूनिफॉर्म, सी है ये अपने करेक्ट रेक्टिफाई करना है कि जब आप मेटल स्फीयर को चार्ज करते हो तो तमाम चार्ज रिजाइड होगा आउटसाइड पर, एक बात तो क्लियर होगा कि जब आप मेटल को चार्ज करते हो इनसाइड अफेयर नहीं होगा, वो चार्ज क्या होगा तमाम के तमाम आउटसाइड अफेयर होगा, एक बात ये वो चार्ज क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो चार्ज क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है अपने याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म बट आउटसाइड, चार्ज दोगे मेटल स्फीयर को नॉन यूनिफॉर्म होगा, चार्ज अपेयर होगा आउटसाइड पर मगर वो चार्ज क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, मगर इनसाइड मेटालिक स्फीयर हमारे साथ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, इनसाइड मेटालिक स्फीयर हमारे साथ क्या होगा चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, इनसाइड मेटालिक स्फीयर हमारे साथ क्या होगा ई जीरो होगा, याद रखना है इनसाइड में हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा। इसके बाद हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड और मेटालिक स्फीयर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा, इसे मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटालिक स्फीयर जीरो होगा
मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड मेटालिक स्फीयर, कांस्टेंट होगा। इनसाइड द मेटालिक स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आने वाले लेक्चर में मैं मैग्नेटिज्म पर जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। जब हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा, जब ई जीरो होगा तो हमारे साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इनसाइड मेटालिक स्फीयर क्या होगा, जीरो होगा। तो लाजमी सी बात है इनसाइड हमारे साथ मेटालिक स्फीयर, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, हमारे साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो हो गया, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। सही है, इसके बाद आप किसी भी मेटालिक स्फीयर में जब आप उसको सरफेस, हमारे साथ जो सरफेस पर हो, ई हमारे साथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट द सरफेस। क्यों मैक्सिमम होगा एट द सरफेस, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, मेटालिक स्फीयर के आउटसाइड पर क्या होगा, ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि जब आप उसको चार्ज करते हो इनसाइड, वो चार्ज रिजाइड नहीं करता, वो नॉन यूनिफॉर्मली तमाम का तमाम चार्ज आउटसाइड क्या होगा, अपीयर होगा। आउटसाइड चार्ज अपीयर होगा, इनसाइड नहीं, बिल्कुल इनसाइड नहीं, आउट तमाम के तमाम चार्ज, जब मेटालिक स्फीयर को चार्ज करते हो तमाम के तमाम चार्ज आउटसाइड अपीयर होगा, मगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, मगर वो साइड चार्ज आउटसाइड अपीयर होगा, इनसाइड नहीं होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट मेटालिक स्फीयर एट द सरफेस इज मैक्सिमम। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैंने बताया था जीरो था, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था इनसाइड मेटालिक स्फीयर, तमाम तर मेटालिक स्फीयर की बातें कर रहा हूँ। सही है, कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बता रहा हूँ, वो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड कॉन्स्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारे सरफेस पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, सही है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है कंडक्टिंग स्फीयर के, तो KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर ई आउटसाइड मालूम करना है सरफेस पे हमारे साथ क्या हो, तो आप अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो आपने ये आर इस्तेमाल करना है, रेडियस, ये नहीं आर का मतलब है, ये बड़ा वाला आर। सही है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आउटसाइड फाइंड करना है, तो KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वाला आउटसाइड, तो फिर क्या होगा, ये वाला आर आपने यूज़ करना है। सही, ये वाला आर यूज़ करना है। इसके बाद आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा पोटेंशियल एट द सरफेस, क्या पोटेंशियल एट द सरफेस की बात करते हैं। आज जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस और आउटसाइड से फाइंड करने का जो मैंने फार्मूला बता लिया, इसी तरह पोटेंशियल एट द सरफेस, आपने सिर्फ फार्मूले को याद करना है, बाकी एमसीक्यूज आ जाए वहाँ पर वर्ड यूज़ होगा क्या सरफेस है या आउटसाइड है, सी वो आपने सिंपल ये फार्मूला लगा देना है। सही, वहाँ पर लिखा होगा ये हमारे साथ, अगर सरफेस होगा तो आपने सिंपल जो अंदर वाला आर, बड़ा आर वो लगाना है, वो वाला यूज़ करना है। अगर आउटसाइड होगा, सी पोटेंशियल आउटसाइड, अगर आपने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस आउटसाइड द मेटालिक स्फीयर, तो आपने क्या हो, ये वाला आर लगाना है। सी ये वाला आर, सी याद रखना कि पोटेंशियल में आर का स्क्वायर नहीं होता है, सी KQ डिवाइडेड बाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आर का स्क्वायर होता है, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूले का थोड़े से डिफरेंस, इसको आपने जेहन में रखना है, मिक्स नहीं होने देना है। इसके बाद नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये हमारे साथ, या इंसुलेटर भी आपको कह सकते हैं। जब आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करते हो, सही, चार्ज इज गिवन टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑल अपीयर किस पर अपीयर होगा। सही, जब आप नॉन कंडक्टिंग चार्ज को स्फीयर को चार्ज करते हो तो तमाम के तमाम चार्ज किस कहाँ पर अपीयर होगा, इनसाइड आउटसाइड बट नॉन यूनिफॉर्मली। सेम इज द केस, जब आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करते हो तो तमाम के तमाम थर चार्ज हमारे साथ आउटसाइड भी अफेयर होता है, इनसाइड भी अफेयर होता है, आउटसाइड भी अफेयर होता है नॉन कंडक्टर स्फीयर में, इनसाइड भी अफेयर होता है, मगर वो भी नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता है। सही है, मेटल में हमने जब चार्ज किया था तो तमाम के तमाम चार्ज आउटसाइड अफेयर हुआ था, वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं था, मगर आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हमारे साथ इंसुलेटर स्फीयर में जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज इनसाइड भी अफेयर होगा, आउटसाइड भी अफेयर होगा, इनसाइड भी अफेयर होगा, आउटसाइड भी अफेयर होगा, मगर वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज नॉन जीरो, याद रखना है कि जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगा। हमने पढ़ लिया था, मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टिंग स्फीयर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, जीरो होता है, मगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के साथ या इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन जीरो होता है, याद रखना है। क्योंकि जब आप चार्ज करते हो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी अपेयर होता है, इनसाइड भी अपेयर होता है, मगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, हमारे साथ एक और टॉपिक स्टार्ट हो गया, इसको मैंने मार्कर से नहीं लिखा, तो इसको आपने नया टॉपिक समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, सही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, इसका फार्मूला क्या है हमारे साथ, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई टू ई नोड, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आपने मीडियम यूज़ किया तो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई टू ई नोड ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी, अगर मीडियम आ गया तो आपने सिंपल ई आर
हर जगह पर इंट्रोड्यूस कर देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ पर आपने मीडियम यूज़ किया तो वहाँ पर नीचे ई आर इंट्रोड्यूस कर देना है। सही है, तो हमारे साथ सिंपल फार्मूला क्या है, जब आप इक्वेशन यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट सेट ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई टू ई नोड। या हमारे साथ थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो गया। सही है, स्टार्ट हो गया। अपोजिटली चार्ज पर इलेक्ट्रेट भी मैंने पढ़ा दिया। अभी हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका कुछ हिस्सा बाकी था, दो एक दो स्क्यूज वो भी पढ़ा दिया। अभी हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ये हमारे साथ थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो गया। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हमारे साथ फार्मूला क्या है, रिजल्ट मैंने डेरिवेशन में नहीं जाना है, डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई टू यूनर टू ई नोड। ये हमारे साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ई नोड से मुराद एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई टू ई नोड ई आर। अगर आप मीडियम यूज़ करोगे तो ई आर इंट्रोड्यूस कर देना। मैंने यहाँ पर फैक्टर्स लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट सेट ऑफ चार्जेस, वहाँ पर आपको मेंशन करेगा कि सिंगल इनफाइनाइट सेट ऑफ चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे साथ सिग्मा, ये हमारे साथ क्या है सिग्मा, ये चार्ज डेंसिटी के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेटिव परमिटिविटी ई आर क्या है हमारे साथ रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिखा है पिछले वीडियो में, जब मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन था, के क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, इनवर्स रिलेशन था, मगर स्क्वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया था। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस वो इंडिपेंडेंट इन डिस्टेंस पर, अगर सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस आ गया तो समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा और ई आर पर डिपेंड करेगा, वो डिस्टेंस पर डिपेंड कभी भी नहीं करता। सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट। सही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होगा अगर आपने क्या यूज़ किया हुआ है, सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सही है, बाकी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल बात करते हो तो फिर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मैंने पिछले वीडियो यहाँ पर आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, अगर आप सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस स्पेसिफाई करते हो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर इनडिपेंडेंट है, याद रखना है। ये हमारे साथ जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर है, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। ये भी आपसे पूछ सकता है कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे साथ चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया या सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पर, यह अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस क्या पढ़ा था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, यह हमारे साथ रिजल्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमसीक्यूज़ नहीं आते। ये अगर आपने याद कर लिया, सही पढ़ लिया, तो इससे ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते। डेरिवेशन की इतनी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, अक्सर हमारे साथ क्या आता है, एक दो या तीन मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी सारे इस तरह डेरिवेशन थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इससे ज़्यादा एडवांस एमसीक्यूज नहीं बन सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। सही है, हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट ये किस चीज़ पर डिपेंड, ये हमारे साथ इसका फार्मूला क्या है, अपोजिटली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट। सही है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई ई नोट, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई ई नोट। अभी सिंगल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस में हमने क्या पढ़ा था, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई टू ई नोट, यहाँ पर ई इज इक्वल टू सिग्मा या चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई ई नोट। सही है, ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, क्योंकि अपोजिटली चार्ज प्लेट है। सही है, तो ई वन प्लस ई टू, सही है, मैंने इस डेरिवेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे तो ए वन प्लस ई टू जब हमारे साथ अपोजिटली चार्ज होगा, सही है, तो दोनों को प्लस करोगे हमारे साथ क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई ई नोट। अगर हमारे साथ यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ, अगर सिमिलर चार्जेस के दरमियान होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा, फिर जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट किसके बराबर है, सिग्मा डिवाइडेड बाई ई नोट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑफ सिमिलर चार्जेस प्लेट आपसे सिंपल पूछे, वहाँ पर ये फार्मूला देखकर ई इज इक्वल टू जीरो कुछ और देखकर, तो आपने फिर क्या पूछ करना है, अगर अपोजिटली नहीं सिमिलर आ गया तो फिर ई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलर चार्जेस के दरमियान क्या होगा, जीरो होगा, फिर वह आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो हमारे साथ ये फार्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट। सही है, इसके बाद फिर कल इंशाल्लाह, यहाँ तक आज लेक्चर बहुत लेंथी लेक्चर भी हो गया, लेंथी तो नहीं मतलब बहुत से टॉपिक कवर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिट चार्ज प्लेट। सही है,
तो इसी तरह इस फार्मूले को आप भी अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, इज इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाई नोट, तो इज इक्वल सिग्मा डिवाइडेड बाई नोट ई आर, अगर मीडियम वहाँ पर यूज़ हुआ था तो। इसके बाद फिर हम कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर इसके बाद आने वाला है, कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे कल यानी आने वाले लेक्चर में, सही है। तो अगर लेक्चर पसंद आ गया तो अपने सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। यहाँ तक हमारे आज का लेक्चर हो गया, इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो फील्ड पढ़ेंगे, तो इसको आप ख़ुद भी ट्राई कर लेना इंशाल्लाह। ये मैंने वेल डिफाइंड नोट्स, एमसीक्यू, स्ट्रिक्ट कंसेप्ट, इंडिकेट नम्स, ईटा के लिए, सब के लिए सही है, नोट्स की फॉर्म में इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगा अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो, हर चीज़ यहाँ पर लिखे हुए, तो अगर इसको आप खुद कर सकते हो तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो इस पर आने वाली है, तो आप तब तक आप इस पर ख़ुद भी कोशिश कर लेना, सही है। तो आने वाले वीडियो में फिर हम इसको पढ़ेंगे, सही है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।